ये आकाशवाणी है। परमवीर अब्दुल हमीद, कल आप एसएन नौटियाल के लिखे इस नाटक की पहली कड़ी सुन चुके हैं। 10 सितंबर 1965 को भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने अपने पैटर्न टैंकों के दस्ते के साथ पंजाब प्रांत के खेमकरन सेक्टर में हमला बोला था। भारतीय थल सेना की 4th बटालियन की ग्रेनेडियर यूनिट में तैनात कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद अपनी जीप में सवार होकर दुश्मन की सेना को रोकने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए बल्कि पाकिस्तान के कई पैटर्न टैंकों के परखच्चे भी उड़ा दिए। इसी दौरान वो दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। देश की मिट्टी से प्यार करने वाले इसी वीर की गाथा है ये नाटक, परमवीर अब्दुल हमीद। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। सन 52 की बात है, तब मैं सुलेमान चचा की दुकान पर सिलाई की मशीन चलाता था। मशीन? हाँ, लेकिन उसमें मेरा मन नहीं लगता था। मैं तो कोई ऐसा काम करना चाहता था जिससे नाम हो। तो मैं और हरिहर सिंह के चचाजात भाई परमा सिंह, हाँ परमा सिंह, फौज में भर्ती होने के खातिर घर से भाग गए और जा पहुंचे गाजीपुर। वहां हम दोनों की जांच हुई, हम पास हो गए। तो वो फिर आखिरी जांच के लिए उसी दिन शाम को बनारस जाना था। तभी हरिहर सिंह हम दोनों को खोजते खोजते गाजीपुर पहुंच गए। हमसे मिले, हमें खिलाया पिलाया, समझाया घर वालों की मर्जी नहीं है कि तुम फौज में भर्ती हो। फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो हमको गाजीपुर में वो उनकी जान पहचान के वो बाबू सूरज सिंह है ना, उनकी कपड़े की दुकान है, उनकी सिलाई की मशीन पर बैठा दिया। हमने 2 वर्ष मशीन चलाया। अच्छा। फिर हमारा मन उखड़ा, फिर भागे, कलकत्ता पहुंचे और 27 दिसंबर 1954 को हम फौज में भर्ती हो गए। सुनो जी। कहो जी। तुम फौज की नौकरी मत करो। ये क्या कहती हो, फौज की नौकरी ना करें तो और क्या करें? और कोई नौकरी कर लो। देखो बेगम, फौज की इतनी शान की नौकरी छोड़कर और कोई ससुरी नौकरी करना हमारे बस की बात नहीं है। सोचो, इस नौकरी में नाम है, इज्जत है, इसी से घर का खर्च चलता है, बच्चों का तन ढकता है और फिर देश का नमक हलाल करने का मौका मिलता है। लेकिन लेकिन हमें तो बहुत डर लगता है। डर? डर किस बात का? ये कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए तो? ले, वो तो यहाँ भी हो सकती है। ये जो हमारे मगिया नदी है ना, इसमें हर साल बाढ़ आती है, कितने लोग घर बार गाय बैल सब बह जाते। अरे हाँ, मगिया की बाढ़ से तो तुमने किसी लड़के और उसकी माँ को बचाया था ना? अरे हमने क्या, ऊपर वाले ने बचाया था। लेकिन नदी में तो तुम ही कूदे थे। बच्चा सिंह भी साथ था। उन्होंने ही तो कहा था कि तुम पानी में कूदे थे, वो तो किनारे पर ही खड़े रहे। किसी को तो किनारे पर रहना ही था, उसने भी बहुत मदद की। अच्छा ये बताओ, लड़की को किसने निकाला था? ओ, तुम औरत जात, खाली लड़की की बात सुनना चाहती हो। तुमने सुनाया कब? हर बार टाल देते हो, वो तो बच्चा सिंह ने ही थोड़ा बहुत बताया था। अब बताओ ना। छोड़ो भी। सुनाओ ना। अच्छा सुनाओ। मगिया में बाढ़ आई बहुत जोर की। हम और बच्चा सिंह अपने खेतों का हाल देखने नदी किनारे खड़े थे। अब किनारा क्या, समझो खेत में ही खड़े थे। नदी का किनारा तो सोचता ही नहीं था कि कहां से शुरू हुआ। चारों तरफ पानी ही पानी, ऊपर से बरखा आंधी तूफान। हाय अल्लाह, तुम्हें डर नहीं लगा? हमें तो सुनकर ही डर लगता है। डर कैसा, ये तो हर साल ही होता है। फिर क्या, छप्पर पेड़ जानवर सब बह जाते थे। तभी हमने देखा कि पानी में 2 औरतें बह चली आ रही है। हमने बच्चा सिंह से कहा कि भाई इनको तो बचाना चाहिए। हाय अल्लाह। हाँ, उसने कहा भाई इस बाढ़ में कूदे ना तो ये औरतें बचेंगी और हम भी अपनी जान से जाएंगे। फिर क्या, हम कूद पड़े। पहले एक को किनारे लाए, उसे बच्चा सिंह को सौंपा और फिर दूसरे को निकाल लाए। पहले किसे निकाला, माँ को या बेटी को? ओ, फिर वही बात औरतों वाली। बताओ ना। पहले बेटी को निकाला।
क्योंकि पहले वही हाथ है। ए, हम ये थोड़े ही पूछ रहे हैं कि क्यों निकाला। हाँ हाँ, हम सब जानते हैं तुम क्या पूछ रही हो, क्यों पूछ रही हो। अच्छा अब सो जाओ। बताओ फिर क्या हुआ। फिर हुआ हमारा सर। ए जी, खुशा क्यों होते हो। अरे फिजूल की बातें पूछती हो तो और क्या करें। अच्छा बचा लिए उन्हें तो फिर क्या हुआ। अच्छा भैया, फिर बच्चा सिंह नाव लाए, हम लोगों ने उन्हें उनके गांव पदमपुर पहुंचा दिया। हाय अल्लाह, उसी बाड़ में। हाँ उसी बाड़ में। उनके घर वालों ने हमें बहुत आशीष दुआ दी। अब चुप हो जाओ, सो जाओ, एक लफ्ज नहीं। ए पान लोगे? अपने आप से खिला दो। क्या है पलुआ? लो संभालो अपनी चीज। ये है क्या बचवा? हैंडल पंप गाजीपुर से लाए हैं, घर में पानी का आराम हो जाएगा। जीते रहो बिटवा, अल्लाह तुझे लंबी उम्र दे। अब अगली बार आएंगे ना पप्पा तो एक गाय ले देंगे जो खूब सा दूध दे। अरे बच्चे लोग दूध पिए जरा, तंदुरुस्ती बनाए। गाजीपुर से कब लौटे हमीदुआ? अभी आया हूँ। अरे लेकिन तुम ससुर को कैसे खबर हो गई कि हम गाजीपुर गए थे? है? अरे तुम्हारे एक एक मिनट की खबर सारे गांव को रहती है। तुम्हारा सागिर्द नंकू सिंह, त्रिभुवन सिंह, प्रधान हरदेव सिंह वगैरह सब आ गए भाई। अच्छा आप लोग बैठो, मैं अभी दो मिनट में जरा अंदर हो गया। देखो हमी भैये, आज तो हम तुम्हारे मुंह से जंगनामा सुने बिना नहीं उठेंगे। सुनाना होगा भैया। सुनो मेरी बात तो सुनो भाई, अब क्या जंगनामा हम कहेंगे? नहीं भैये, ये नई नई नहीं चलेगी। अच्छा भाई, अच्छा तुम लोग इतना कहते हो तो सुनो। ये सुनो भाई, सुनो भाई। हुआ शहर में एक महशर बपा, जमीन कांपी और चरख थर्रा गया। अल्लाह, जलाने लगे लोग तेगो सना, या एक कली वाह हजारों जवान। की फिर उसने मालिक से ये दुआ, नहीं कोई सानी तेरा दूसरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाली जो तलवार फिर मयान से, लोग हाथ धोने लगे जान से। हुआ जिसकी गर्दन पे खंजर सवार, सिर उसका दिया एक दम में उतार। अल्लाहु गनी, हुआ जिसकी गर्दन पे खंजर सवार, सिर उसका दिया एक दम में उतार। जिन्नन से कहो मेरा बिस्तर साइकिल पर बांध दे। कह देता हूँ अबू। अरे जल्दी कर, बस नहीं मिली तो गाड़ी छूट जाएगी। बचुआ अबू, कुछ दिन छुट्टी बढ़ा नहीं सकते क्या? नहीं पप्पा। कल जाओ तो कैसा रहे बिटुआ? पप्पा वो परसों ड्यूटी पर पहुंचना है, आज ही जाना पड़ेगा। अच्छा पापा, तुम जरा सामान बंधवाओ, हम अभी आते हैं। अच्छा बेटा। बेगम, अरे अरे तुम रो रही हो बेगम? बेगम भाई हमें तो जाना ही है। सुनते हैं
लड़ाई छिड़ने का डर है। अरे कौन ससुर ये तुम्हें सब खबरें दे जाता है? गांव में सभी लोग तो कहते हैं, हमको तो बहुत डर लगता है। अरे सिपाही का काम तो लड़ना है, इसमें डर की कौन बात है? खुदा ना खास्ता तुम्हें तुम्हें कुछ हो गया तो हम इन छोटे छोटे बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे? अरे ये सब क्या सोचती हो तुम्हें? आखिर लड़ाई में हम अकेले तो नहीं जाएंगे, लाखों लोग हैं फौज में। हमें लाखों से मतलब नहीं है, हम तो चाहते हैं हमारा मर्द हमारे पास रहे, घर के रिश्ते की देखभाल करे। देखो बेगम, अब इतने बरस सरकार का नमक खाए हैं, लड़ाई छिड़ी गई तो नमक हलाल करने का मौका मिलेगा, और ये कोई पहली लड़ाई तो होगी नहीं। देखो भाई, ये रोना थोड़ा छोड़ो। अरे बेगम, हमें किसी को से रुखसत करो। बेगम जान, जरा हाँ ये बात हुई ना। अच्छा बेगम, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है हमीद? हा? अरे उदास क्यों हो यार? ऐसे ही अपने बेटे जैनुल की याद आ रही ठाकुर। हमीद कोई खास बात? नहीं खास बात तो नहीं, लेकिन अब की बार जब घर गया था तो मैंने उसकी पिटाई कर दी थी। अरे पीटा क्यों था भाई? अरे हम गुल्ली डंडा खेल रहे थे। गुल्ली डंडा? यार यादव तू भी पोंगा ही रहा। अरे ग्राम धामपुर, तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में, अरे गुल्ली डंडा नहीं तो क्या क्रिकेट और वो क्या कहते हैं उसे, हाँ टेनिस खेलेंगे क्या? फिर क्या हुआ? फिर क्या यार, जब मैंने बेटे की पिटाई की तो घर से भाग गया। भाग गया? घर लौटा के नहीं? नहीं लौटा तो, लेकिन बहुत देर से। बेटा है कितना बड़ा तुम्हारा? है कोई 12-13 साल का। अब बड़ा हो रहा है ना, कोई बात कह दो तो बुरा मान जाता है। और कितने बच्चे हैं? 3 बेटे, अली हसन, तलत महमूद, जुनैद और एक बिटिया ज़ेबुनिसा। अच्छा अच्छा, इसमें जो वो तलत महमूद है ना, सबसे शैतान है। अभी 5 बरस का है पर ससुर के पेट में 5 गज की दाढ़ी है। हम बच्चों को मारते पीटते नहीं है, इसीलिए जैनुल को पीटने का बड़ा अफसोस है, लेकिन अब हमने कसम खाई है फिर कभी बच्चों को नहीं पीटेंगे। देखो हमीद, हमारे यहाँ एक कहावत है कि बच्चे को 5 बरस तक लाड करो, 5 से 16 बरस तक ताड़ो यानी डांटो डपटो, और जरूरत पड़े तो मारो पीटो भी, और जब बच्चा 16 बरस का हो जाए तो फिर दोस्त की तरह व्यवहार करो। ठीक कहते हो, ठीक कहते हो भाई। निशाना मारने में अव्वल रहे। अरे ठाकुर, इसमें कौन बड़ी बात है, हम तो बचपन से ही निशाना बांधते रहे हैं। क्या शिकार विकार का शौक भी है? खूब शिकार किए हैं, खरगोश और हिरन का, और चिड़िया तो हम एक निशाने में 3 से कम नहीं मारते। राम 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 राम,
बहुत जीव हत्या की हो। अरे यादव, वो तुम्हारी तरह घास फूस खाने वाला थोड़ा ही है, और फिर ये लोहे का बदन ऐसे ही थोड़ी बन जाता है। तभी तो इसने कश्मीर के मोर्चे पर इनायत डाकू को पकड़कर फौज के सुपुर्द कर दिया था। अरे वो किस्सा हमें पता है, तभी तो ये सिपाही से लांस नायक बनाए गए थे। यार कश्मीर का मोर्चा भी बड़ा बेढब था। अरे वो तो था ही, पर हम लोगों ने 3 बरस वहां कैसे काटे हैं हम ही जानते हैं। दुश्मन के सिपाही कश्मीरियों के कपड़े पहनकर घुसाते थे, पहचानना मुश्किल हो जाता था। अरे दुश्मन 18 साल से उधम मचा रहा है वहां, लेकिन देखना टाकू, अब की मौका मिला तो चूकेंगे नहीं, कुछ ना कुछ जरूर करके जरूर करेंगे। अच्छा हमीद भैया, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। पूछो। तुम्हारे कोई रिश्तेदार हिंदुस्तान छोड़कर गए हैं? गए होंगे, क्यों? हम इसलिए पूछ रहे हैं कि वो मान लो लड़ाई में आमना सामना हो जाए तो क्या? लड़ाई में आमना सामना होगा तो वो हमारा रिश्तेदार नहीं, हमारा और हमारे देश का दुश्मन होगा। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। देखो यादव, जहाँ हम रहते बसते हैं ना, जहाँ हमारे बाप दादा रहे बसे, जिस मिट्टी में हम पले बड़े, वही हमारा देश है। हमें उन लोगों से सख्त नफरत है जो रहते हिंदुस्तान में हैं लेकिन गीत दूसरे मुल्कों का गाते हैं। उन्हें यहाँ तो हिंदुस्तान का होके रहना चाहिए या फिर यहाँ से टिकट कटाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बोले हमीद। अरे हम तो गाँव के लोग हैं, वहाँ तो हिंदू मुसलमान के मन में कोई फर्क नहीं है। अरे ठाकुर, हमारी अम्मा बताती है, हमारे पड़ोस में ठाकुर फौजदार सिंह और हवलदार सिंह दो भाई रहा करते थे। तब हम बहुत छोटे थे। वो लोग जब भी पूजा पाठ करके भोग लगाने लगते ना तो हमें आवाज देते, हम रोज भागे भागे चले जाते प्रसाद खाने। अरे सो तो है ही। अब हमारे गांव में सबसे बूढ़े आदमी है रहमान काका, 100 बरस के आसपास होंगे। अब गांव में कोई भी काम हो, मुंडन हो, शादी हो, गौना हो, या कोई नया कपड़ा पहने या गाय बैल ले, सबसे पहले जाकर रहमान काका के पैर छूकर आशीर्वाद ले, तब कहीं जाके बात आगे बढ़े। भाई हमारे तो सारे ही दोस्त ठाकुर, हरदेव सिंह, त्रिभुवन सिंह, ननकू सिंह, बच्चा सिंह और ये ननकू सिंह तो हमारे चेला है। चेला? अरे क्या साधु फकीर हो गए थे? नहीं भाई, उन्हें पहलवानी सिखाते थे। अच्छा, बाकायदा चेला बनाए थे उन्होंने। हमें 150 लड्डू, 5 रुपया और 1 लंगोट हाथ मिलाई दिया था। हाथ मिलाई क्या? अरे बहुत बुड़बक हो यादव। अरे हाथ मिलाई मानी गुरु दक्षिणा। बहादुरों, आप लोग जानते हैं कि पिछले महीने से दुश्मन के घुसपैठिए हमारी सीमा के भीतर घुसने की कोशिश करते रहे हैं और हर बार आप लोगों ने गोलियों से उनका स्वागत किया है, कुछ को मार दिया और बाकी को वापस भागने पर मजबूर कर दिया। इस बार दुश्मन ने लड़ाई का ऐलान कर दिया है और दूसरे देशों से हैरात में मिले हथियारों, टैंकों और जहाजों से हमला कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी शानदार फौज उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी और दुश्मन को एक बार फिर भागने पर मजबूर करेगी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा है, हमें देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान होना है। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए फौज के तमाम हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, पारसी जवान तैयार है। बहादुरों, जय हिंद, जय हिंद। जैनुल, जैनुल बेटा। क्या बात है चाचा? उस्मान काका कहाँ है? भीतर है। उस्मान काका। क्या बात है बच्चा सिंह? कुछ खबर सुनी है? खबर? हाँ। कैसी खबर? लड़ाई छिड़ गई है। अरे पलुआ तो पहले ही कह रहे थे।
कि हमको लगता है लड़ाई जरूर होगी। सीमा पर बहुत गड़बड़ चल रही थी। तुमने कहां सुनी ये खबर? बाबू हरनारायण सिंह ने कल रात अपने रेडियो पर यह खबर सुनी, आज अखबार में भी छपी है। काका, हमको तो हमीद भैया की फिक्र है। हाँ भैया, फिक्र तो हमको भी है, क्या किया जाए। खुदा को जो मंजूर होगा वो तो होगा ही। बाकी हमको इतना भरोसा जरूर है कि हमारा बेटा दुश्मन को पीठ नहीं दिखाएगा। हाँ काका, कुछ ना कुछ बहादुरी जरूर करके दिखाएगा। ये हमीद की कोई चिट्ठी आई है? हाल में तो नहीं आई बच्चा सिंह, बल्कि जो चिट्ठी पहले आई थी उसमें यही लिखा था कि उसकी पलटन का तबादला हो रहा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि कहाँ हो रहा है। हमारी कंपनी को आज शाम तक मोर्चा संभालना है। कहाँ मोर्चा संभालना है हवलदार साहब? कसूर के इलाके में। सुना है उस इलाके में दुश्मन ने बहुत से पैटर्न टैंक लगा रखे हैं। इसीलिए तो हमें वहाँ भेजा जा रहा है। हवलदार साहब, पैटर्न टैंक तो बहुत मजबूत और जबरदस्त मार करने वाले बताए जाते हैं। ठाकुर, हमारी रिकॉयलेस गन कम जबरदस्त मार करने वाली नहीं है। दुश्मन के टैंक कितने भी मजबूत क्यों ना हो, हमारी टैंक मार तोपों के सामने नहीं टिक सकेंगे। आगे बढ़ो। आकाशवाणी, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी। रक्षा मंत्री श्री चव्हाण ने लोकसभा में आज युद्ध की स्थिति पर वक्तव्य देते हुए बताया कि बाड़मेर कच्छ क्षेत्र पर दुश्मन के हमले की संभावना समाप्त करने के उद्देश्य से भारतीय सेना राजस्थान सीमा को पार करके आगे बढ़ रही है। सीमा से 5 मील आगे गदरा कस्बा हमारे कब्जे में आ गया है। भारतीय सेना खोखरा पार की ओर बढ़ रही है। हमारे बहादुर जवानों, ये कार्रवाई भारतीय सेना ने आज सवेरे की। दुश्मन ने पिछले 48 घंटों में इस क्षेत्र में भारी सैनिक जमाव किया था। जम्मू की ओर से भी भारतीय सेनाओं ने सीमा पार कर दी है। छंब जौड़िया क्षेत्र में भी दुश्मन की फौजों को पीछे हटना पड़ा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एक होकर खतरे का सामना करने की फिर अपील की है। ये समाचार आपको आकाशवाणी से सुनाए जा रहे हैं। अम्मा, कहाँ है दुल्हन? ये सब खबरें सुन सुन के हमारा मन तो बहुत घबराता है अम्मा। हौसला रखो दुल्हन, अल्लाह सब भली करेगा। लड़ाई में क्या होगा कौन जाने, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो हम इस कच्ची खेती को कैसे संभालेंगे अम्मा? दुल्हन, हम पलुआ की माँ हैं। अरे हमको भी उसकी बहुत फिकर है। बाकी फिकर करे से तो कुछ नहीं होगा ना। सो तो ठीक है अम्मा, पर अपने आदमी के बिना औरत की जिंदगी जीने काबिल नहीं है। हम तो अल्लाह से रात दिन यही दुआ मांगते हैं कि वो सही सलामत घर लौट आए। लौट आएगा। अल्लाह पे भरोसा रख।
तुम ये बार बार तोप में क्या देखते हो? निशाना साधते हैं। अरे तुम तो वैसे ही बहुत बढ़िया निशानेबाज हो। अरे अभी क्या देखे हो यादव, जब दुश्मन के टैंक सामने होंगे ना तब देखना हमारा निशाना। अरे इस खेल कलन को हमने दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान ना बना दिया ना तो हमारा नाम अब्दुल हमीद नहीं। अरे पता नहीं कब वो मौका मिलेगा यार। अरे बात जल्दी ही मिलने वाला है, एक आध दिन में है। क्या टाइम हुआ? 8 बजने वाले हैं। अरे ये तो खबरों का वक्त है। नई दिल्ली में एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय सेनाएं तेजी से सियालकोट की ओर बढ़ रही हैं। उन्होंने झम जौनिया अंचल से भागती दुश्मन की सेनाओं को घेर लिया। भयंकर लड़ाई हुई जिसमें दुश्मन के 22 टैंक नष्ट कर दिए गए और बड़ी संख्या में दुश्मन के सैनिक बंदी बना लिए गए। प्रवक्ता ने आगे बताया कि पश्चिम के सभी मोर्चों पर भीषण लड़ाई हो रही है। कुछ सुना उस्मान काका? क्या बच्चा सिंह? अरे दुश्मन ने हमारी फौजों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया लेकिन रोक नहीं पाए यार। अच्छा। अरे पिछले 24 घंटों में दुश्मन के 75 टैंक तोड़ दिए गए। नहीं चाचा, और ज्यादा तोड़े हैं। अरे बिटुआ हम पिछले 24 घंटे की बात कह रहे हैं। अरे वैसे तो पिछले 8 दिन में दुश्मन के 114 टैंक बर्बाद कर दिए। अरे 114? हाँ काका। शाबाश रे हिंदुस्तानी जवान, बहुत तोड़े हैं। अरे काका ये समझो कि दुश्मन के कुल टैंकों में से 1/4 टैंकों का पंचर कर दिया गया। अरे कहाँ से आया इतना टैंक उनके पास? अरे सब बाहर के मुल्क से आया है काका। ज्यादातर तो वो क्या कहें है, पैटर्न टैंक है। पैटर्न टैंक? अच्छा। लेकिन हमारे निशानेबाज ऐसे तेज हैं कि मार मार के पैटर्नों की भी हवा निकाल दी। बच्चा सिंह, हम सुने हैं कि हमारी फौज ने दुश्मन के 2 टैंक उनके ड्राइवरों समेत पकड़ लिए। ऐसा? बिल्कुल साबुत। अरे रेडियो तो ये भी कह रहा था कि कहाँ पकड़े हैं, बाकी हम जगह का नाम भूल गए। नुनिया चाचा, जगह का नाम रहा डेरा बाबा नानक। अरे हाँ, अरे जीते रहो, अब बहुत ठीक है। बच्चों का याददाश्त बहुत तेज होता है। और भैया रेडियो में हमने ये भी सुना था कि दुश्मन ने अपने हवाई जहाज में हमारे देश के जहाजों का निशान डाला है जिससे हमारी फौजों को धोखा हो जाए। अरे हाँ काका, हाँ दुश्मन ने अपने बहुत से छतरी वाले फौजियों को हमारी हवाई सेना की वर्दी पहनाकर हमारे देश में उतारा। खुदा खैर करे। चिंता मत करो काका, हमारी फौजें आगे बढ़ रही हैं, दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हाँ जा किस लिए? अरे इधर आने के लिए टैंकों को इस टीले के पास से गुजरना पड़ेगा। हवलदार होशियार, टैंक पास आ रहे हैं। सुन रहा हूँ। पूरा प्लेटून लगता है 4 या 5। तैयार? देखो पहला टैंक दिखाई दे रहा है। आगे तो आने दो। हवलदार 3 टैंक एक साथ आ रहे हैं। दुश्मन का एक टैंक गया। फायर! गो! हमी, पहले टैंक ने हमें देख लिया है, वो अपनी तोप घुमा रहा है। अरे ठाकुर परवाह न कर। फायर! के! ठाकुर हमीद, दुश्मन के
तीन टैंक तोड़ दिए। देश का नमक आल किया। परमवीर अब्दुल हमीद। अभी आप SN नौटियाल के लिखे इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई।